सो गाइस यहाँ से हम निकल रहे हैं 84 चली वाली साइड और यहाँ से 2 या 2.5 घंटे और लगेंगे। सो आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं। और ये आप सामने देख रहे होंगे बीज खड़ी हुई है, ये है रास्ता और यहाँ से टर्न करेंगे यहाँ ऊपर, यहाँ से रास्ता है, हम पहली बार जा रहे हैं और अब आपको आगे का नजारा दिखाते हैं। सांस फूल रही है, तो यहाँ पे हमारे प्रीतम का पैर धस चुका था पूरा अंदर और इससे नीचे भी काफी गहरा है, ये बीच में फंसे हैं और ऊपर से गलती से भी अगर ग्लेशियर आ जाए, स्लाइड कर जाए तो हमारा यहीं पे रिप हो जाएगा। कोई ना, कर ले ले तू जोड़, कितने सेकंड तक रखना होल्ड। तो गाइस यहाँ से हम क्रॉस कर चुके हैं और वो हमारे टेंट है, हम छोड़ के आए हैं क्योंकि वापिस यहीं को आना है और एक छोटा सा ग्लेशियर और आ गया है, इसको तो आराम से पार कर लेंगे ये लौंडे। पता नहीं कितने और ग्लेशियर से गुजर के जाना पड़ेगा, अब तो थक चुके हैं। रास्ता डेंजर ही है और हमारे प्रीतम ने देखी है, हमें तो कुछ पता नहीं था, नीचे से दिखा कि यहाँ पे कुछ चढ़ियां चल रही है तो फाइनली गाइस हम 84 चली के पास पहुंच गए हैं और आपको यहां से ऊपर दिखाते हैं थोड़ा। और गाइस यहां पे ये 84 चली
पूरी तरह से दब चुकी हैं, पूरा नाला दबा हुआ है, ऊपर से ग्लेशियर ने पूरी जगह ढक ली हुई है। पर यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि कोई चिड़ियाँ मिलेंगी। ये बाबा चुप जान है भाई। ये ग्लेशियर इतना बड़ा, वो टॉप तक बिल्कुल बादल दिखाई दे रहा है ऊपर नजदीकी और नीचे भी। और ये हमारे साथी। और ये गाइस लास्ट पॉइंट है जहां तक हम जा रहे हैं, और 84 चली दब चुकी है। अब यहां से हम वापिस हो रहे हैं क्योंकि आगे रास्ता है नहीं, दूसरी साइड चंबा है और वहां हम जाना नहीं चाहते। तो हो सकता है कि जून और जुलाई के महीने में खुले रास्ता। ये है लास्ट पॉइंट जहां पे हमने विजिट करा है, और इसके नीचे अगर कोई गिर जाए तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। खाई है नीचे। चलिए चलिए। एक्चुअली गाइज हम यहाँ पे जल्दी ही विजिट कर गए हैं, जुलाई अगस्त के मंथ में आना चाहिए था। अभी ऊपर बर्फ जो है वो गली नहीं है, जिसकी वजह से इन चलियों में पानी नहीं आ रहा है। मई के मंथ में विजिट करना यहाँ पे कुछ सही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। गाइस 84 चली का ट्रैक पूरा होता हुआ, और 84 चली तो दब चुकी है, थोड़े बहुत उसके आसार मिले हैं, वो भी हम अननोन हैं, तो पता नहीं कौन सी गली में कौन सी 84 चली थी। और आगे आपको ऊपर ले चलते हैं। मौत
यहाँ से रास्ता गया है 84 चली के लिए और इसके ऊपर है पीर पंजाल रेंज। सो यहाँ से थोड़ा आगे जाके 84 चली है, पर यहाँ पे बर्फ के कारण वो जो ग्लेशियर पड़े हुए हैं वो तो पूरा एरिया दब चुका है, जिसकी वजह से हमें मिल नहीं रहा है। सो हमें आगे जाके वापस आ गए हैं। सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे हमने टेंट रखे हुए हैं और गाइस यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। गांव में तो अच्छी खासी धूप लगी हुई है पर यहाँ पे पीर पंजाल रेंज के साथ मोटी बारिश होने के आसार हैं। दो दो मिनट में बादल आ जाते हैं और कब बारिश लगती है कब रुक जाती है कोई पता नहीं लगता, पर बारिश बहुत गंदी लगती है यहाँ पे। और अभी वापस जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स काफी दूर था ये और गाइस ये आप बर्फ का ढेर देख रहे होंगे, ये आगे तक ये कोई ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरी हुई है, एक्चुअली ये लेयर्स बनी हुई है, धरती यहीं तक है और इसके ऊपर ये आगे जितनी भी है ये बर्फ गिरी हुई है, ये आप देख सकते हैं तो कितनी ज्यादा लेयर्स बनी हुई है। ये है इसका आखिरी छोर और गलती से अगर यहाँ पे कोई अंदर गिर जाए तो वैसे तो अभी सॉलिड है बट क्या पता। तो कुल मिला के भुजड़ी बन चुकी है एंड की, थक के बुरा हाल हो गया है। यहाँ से सुबह नीचे से मोटरसाइकिल चले और अभी 3 बजने वाले हैं, बारिश भी गिरने लग पड़ी है। सो जल्दी से जाना पड़ेगा नहीं तो इन रेंजेस पे बिजली का खतरा रहता है। और ये कैंप के नजदीक पहुंचते हुए जब सुबह गए थे माता है वहां पे, वहां से आगे जाना पड़ता है, गलत रास्ते से गए थे।